Dear students, let us start 11th sum of exercise 3.3, chapter 3, trigonometric functions. 11th sum is cos bracket mein 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x is equal to minus square root 2 sin x. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है. हमें एक फार्मूला पता है, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी ओवर टू साइन सी माइनस डी ओवर टू. इसमें जो सी की वैल्यू वो क्या गिवन है, 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, और डी की वैल्यू 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स. इस फार्मूला में हमने फिल करनी वैल्यू, माइनस टू सेम, साइन सेम, सी की जगह पे 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, देन डी की जगह पे 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, देन अगेन साइन सेम, सी की जगह पे 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, देन माइनस बाहर लगा, अंदर वाला साइन क्या हो जाएंगे, चेंज. चेंज करके हम लिखेंगे 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, देन वी गेट 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4, ये जो 2 है टर्म रेसिप्रोकल हो गई, 1 बाय 2 आ गया. देन साइन सेम, ये दोनों टर्म कैंसिल, ये दोनों टर्म कैंसिल, वी गेट एक्स प्लस एक्स एक्स, 2x डिवाइडेड बाय 2. अब मेरे पास आंसर आ गया माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 साइन एक्स. देन अब 3 पाई बाय 4 को मैंने ब्रेक किया, माइनस 2 साइन 4 पाई माइनस पाई ओवर 4 साइन एक्स. देन सेपरेट किया 4, तो वी गेट माइनस 2 साइन पाई माइनस पाई बाय 4 साइन एक्स. पाई बाय 4 साइन पाई बाय पाई माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाय 4, देन साइन एक्स सेम. अब साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कैंसिल आउट, वी गेट माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स.